दोस्तों सभी लोग कैसे हो वो सबसे पहले बताओ। लेकिन आज का ये वीडियो ना होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे, देखो थंबनेल में मैं लिखा हूँ प्रूवन मैच विनर, इसका मतलब जो कि लिटरली मैच विनर है उसके बारे में। लेकिन ये वाला वीडियो ना थोड़ा सा अलग वाला वीडियो है, क्योंकि इधर पर हम लोग बात करने वाले होंगे कि आईपीएल 2023 में ऐसा कौन कौन सा खिलाड़ी आएगा जो कि अपने आप को साबित करने के लिए आएगा, यानी प्रूव करने के लिए आएगा कि वो लोग भी T20 में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है और बेहतर तरीके से खेल सकता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी है जिनको ना मतलब बहुत सारा बातें सुनना पड़ता है, क्योंकि कोई बताता है कि भाई ये T20 का बल्लेबाज नहीं है, कोई बताता है कि भाई ये T20 का गेंदबाज नहीं है, कोई बताता है कि भाई इसका एज हो गया है ये अब नहीं चलेगा। और तो उन सभी को जवाब देने के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी आ सकता है जो कि बन सकता है प्रूवन मैच विनर वापस से। देखो मेरे मुताबिक मैं अगर बात करूं ना तो मेरे को ना इस सभी खिलाड़ी को लेकर कोई भी डाउट नहीं है कि ये सब अलग लेवल का खिलाड़ी है और ये सब लोग ही T20 में डेफिनेटली फिट बैठता है। लेकिन भाई बहुत सारा लोगों का बहुत सारा बातें होता है कि भाई ये सब खिलाड़ी भाई अभी T20 में नहीं चलता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो मैं उस खिलाड़ी का नाम बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वापस से खेलने वाला है आईपीएल में और अपना रंग जमाने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी है जो कि डेफिनेटली भाई क्वालिटी देगा अपने टीम को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे पहचानो, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हो डी क्रिकेट न्यूज़। भाई 80% के ऊपर लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब के बाद एक लाइक करना, क्योंकि लाइक करने में एंगेजमेंट बढ़ता है, लाइक कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि मैं टोटल 6 खिलाड़ी का नाम लूंगा जिनको भाई प्रूव करने का मौका मिलेगा और वो प्रूव भी करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब खिलाड़ी भाई बहुत अलग लेवल का खिलाड़ी है। सबसे पहले जिस टीम के ऊपर मैं बात करूंगा, जिस खिलाड़ी के ऊपर बात करूंगा, वो है पंजाब किंग्स का एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो कि है शिखर धवन। तो शिखर धवन को देखो हमारा T20 आई से भी बिठाया गया है, मतलब इंटरनेशनल T20 मैचेस से भी बिठाया जा चुका है। उसके साथ मैं अगर बात करूं तो ओडीआई मैचेस में भी ना उनको बिठाया जा चुका है। तो मैं बताना चाहूंगा कि शिखर धवन के पास ना अभी भी बहुत सारा खेल बचा हुआ है, बंदे के पास क्वालिटी है। तो इस साल का आईपीएल होने वाला है भाई उनका आईपीएल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी ना भर भर के रन कर सकता है। तो मुझे तो भाई बेहतर ही लगेगा कि अगर ये खिलाड़ी रन करे, और ये खिलाड़ी प्रूव करने वाला है कि इस खिलाड़ी के पास T20 में ना बल्लेबाजी करने के लिए अभी भी पोटेंशियल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अभी भी आप उनको ओडीआई खिला सकते थे, लेकिन ठीक है, अभी जो आगे बढ़ चुका है शुभमन गिल की तरफ जा चुका है, तो वो अलग ही लेवल में खेल रहा है, तो उसके ऊपर क्या ही बताए। उसके बाद जिस टीम को मैं बात करूंगा आईपीएल में, जो टीम से मैच विनर निकलकर सामने आएगा, जो टीम से प्रूव करने वाला खिलाड़ी निकलकर सामने आएगा, वो टीम है MI यानी मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा सबसे बड़ा नाम मुंबई इंडियंस का, लेकिन बहुत लोग बताता है कि भाई इस खिलाड़ी के पास और भाई समय नहीं है, ये खिलाड़ी भाई और कुछ ही दिनों के बाद रिटायर भी ले लेगा, ऐसा कुछ बात रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल का आईपीएल ना रोहित शर्मा का भाई चेंज वाला एक आईपीएल आपको देखने को मिलेगा, या फिर ये खिलाड़ी इस साल बहुत ज़्यादा चमकेगा। क्योंकि देखो आईपीएल में ये खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ज़्यादातर बेहतर नहीं रहता है, ठीक है, इस साल हो सकता है कि भाई एक अलग लेवल का ही आईपीएल खेल दे, लेकिन इनको भाई मतलब सोच समझ कर ही शॉट सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब लगाता है ना छक्के तो भाई एक के बाद एक लप्पा ही लगाने को देखता है। तो उस जगह पर इस खिलाड़ी को सोच समझ कर ही खेलना पड़ेगा, और इस खिलाड़ी के पास वो पोटेंशियल है कि भाई सबको गलत कर दे और अभी भी T20 में खेले। देखो क्वालिटीज हो इसमें आप लोग भाई नकार नहीं सकते। तो उसके बाद जिस टीम के ऊपर बात करूंगा वो टीम रहेगा RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का विराट कोहली, विराट द रन मशीन। तो इस खिलाड़ी के ऊपर भी बहुत सारा लोग ना बातें करता है, भाई क्यों करते हो ये तो भाई पता नहीं है, लेकिन करता है। तो इसी की वजह से इस खिलाड़ी को भी भाई प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि भाई प्रूफ करने का कुछ नहीं है, जिसके पास 70 से ऊपर का सेंचुरी होना उनको प्रूफ करने का कोई भी चीज़ नहीं रहता है। लेकिन ये भाई T20 है, तो T20 में भाई जो लोग बोलता है T20 आईज में तो भाई प्रूफ करता ही रहता है, लेकिन आईपीएल में भी इस साल प्रूफ करेगा, क्योंकि पिछला साल बेहतर नहीं गया था हमें पता है, इस साल भाई वापस से आएगा, रन लगाएगा और बेहतर तरीके से रन लगाएगा, आप लोग देख लेना। तो ये भी प्रूफ करने वाला है कि इस खिलाड़ी के पास भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो कि वो खेलने वाला है। उसके बाद जिस टीम के ऊपर बात करूंगा वो टीम होगा KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ओर से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो कि भाई अपने को आगे करेगा और बोलेगा कि हाँ भाई मैं भी T20 में खेल सकता हूँ, तेज गेंदबाज को बेहतर तरीके से खेल सकता हूँ, तो वो है श्रेयस अय्यर। तो देखो श्रेयस अय्यर को लेकर यही क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई बंदा शॉर्ट लेंथ को भाई बेहतर तरीके से खेल नहीं पाता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि पिछला एक साल से आईपीएल जब खत्म हुआ उसके बाद से ये खिलाड़ी जैसा तरीके से खेला है ना वो भाई एक अलग लेवल में ही खेला है, भाई शॉर्ट गेंद को भी बेहतर तरीके से पेला है। तो उस जगह पर मैं बताना चाहूंगा कि ये खिलाड़ी आगे जाकर मतलब आईपीएल में आकर बेहतर तरीके
से खेलेगा और शॉर्ट लेंथ में भी अपने आप को प्रूफ करके दिखाएगा कि हाँ भाई क्वालिटी तो है मेरे में। उसके बाद जिस टीम को बर्बाद करने वाला हो वो टीम रहेगा आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स की ओर से संजू सैमसन। भाई ये खिलाड़ी के पास बहुत ज़्यादा भाई कला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो कि भाई आपके लिए विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, आपके लिए T20 में, मैं ODI और टेस्ट तो छोड़ ही दे रहा हूँ, मैं T20 की बात कर रहा हूँ। आप ऋषभ पंत को इतना चांस दे हो, लेकिन भाई इस खिलाड़ी को भाई मतलब जस्टिस नहीं किया उस खिलाड़ी के साथ। तो इस जगह पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर संजू सैमसन को भाई बेहतर तरीके से क्वालिटी दिया जाता है, अगर उनके मतलब उनके ऊपर थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखाया जाता है ना, तो ये खिलाड़ी अलग लेवल में खेलेगा। और इस साल भी देख लेना कि ये खिलाड़ी भाई बेहतर तरीके से IPL खेलेगा, लेकिन फिर भी इनको इंडियन टीम में जगह नहीं मिलेगा, तो ऐसा ही होता है। तो प्रूफ तो भाई हर साल ही करता है, तो इस साल भी प्रूफ करेगा, ये तो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद लास्टली जिस टीम का, जिस खिलाड़ी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वो टीम है SRK यानी सनराइजर हैदराबाद। तो सनराइजर हैदराबाद से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिनको भाई प्रूफ करना पड़ेगा, मैं बताना चाहूँगा कि भुवनेश्वर कुमार है। बहुत लोग बहुत बातें बताता है कि भाई और नहीं होगा इनसे T20 में गेंदबाजी, और नहीं होगा भाई इनसे यॉर्कर डालना, और नहीं होगा इनसे भाई डेथ के ओवर में गेंदबाजी करना, जो कि मैं भी बताता था, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस खिलाड़ी के पास जो क्वालिटी पहले था ना, वो अगर थोड़ा सा भी उस लय में वापस से आए जो कि प्रैक्टिस के माध्यम से आया जा सकता है, ठीक है, तो उस जगह पर मैं बताऊँ कि ये खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। तो इस साल इनका भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये खिलाड़ी वापस से T20 में अपना कला दिखा सकता है। देखो स्विंग में नो डाउट भूबी से ऊपर का कोई गेंदबाज नहीं है, लेकिन डेथ ओवर में भाई क्वालिटी अगर ये खिलाड़ी दे देना तो भाई एक परफेक्ट गेंदबाज, नो डाउट। तो ये था टोटल हर एक खिलाड़ी का नाम। आप सभी लोगों को क्या लगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी मिस कर दिया हूं मैं जो कि प्रूफ करना चाहिए उनको IPL में आकर, 2023 का IPL में आकर, वो सभी लोगों का खिलाड़ी का आप सभी लोग नाम कमेंट पर बताना। और भी बहुत सारा टीम का मैं नाम जैसे कि नहीं लिया, गुजरात का मैं नाम नहीं लिया, लखनऊ सुपर जायंट्स का मैं नाम नहीं लिया, CSK से भी ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसको भाई प्रूफ करना है क्योंकि भाई CSK का टीम बेहतर है। तो उस जगह पर ये है टोटल वीडियो, जो कि आप सभी लोगों को कैसा लगा वो जरूर से कमेंट पर बताओ, और आप सभी लोगों के मुताबिक और क्या क्या वीडियो आप देखना चाहोगे IPL के ऊपर वो जरूर से कमेंट पर बताओ। तो अभी इधर ही समाप्त करते हैं। और अगर आपको हर एक टीम का बेस्ट चॉइस डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज कौन कौन सा खिलाड़ी बन सकता है उसके ऊपर वीडियो देखना हो ना, ये वाला वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। तो और अगर आपको किसी भी टीम का प्लेइंग 11 के ऊपर वीडियो देखना हो तो ये वाला प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो बाय, टेक केयर।